हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, अभी मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रही हूँ मॉर्निंग का रूटीन, यानी मॉर्निंग में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, यानी उनके लिए लंच वगैरह बना के दे देती हूँ, चले जाते हैं, उसके बाद जो हम लोगों का काम स्टार्ट होता है, क्योंकि सुबह का तो करते ही करते हैं जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते, उसके बाद भी हम लोगों को घर के क्लीनिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो मैं वही आज आप लोगों के साथ शेयर करने जा कि कितना ज़्यादा काम होता है हम लोगों के पास, और चाहे जितना भी करो कम होता है, लेकिन कोई समझता नहीं कि हम लोग इतना काम करते होंगे। और ये देख लीजिए, अभी बिस्तर का हाल ये होता है, फिर बच्चे जब चले जाते हैं फिर उसके बाद बिस्तर वगैरह सही करना होता है, झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। तो वही मैं आप लोगों के साथ क्लियर आज जो है दिखाऊँगी, यानी कि जैसे मैं रोज़ डेली सुबह का काम करती हूँ वैसे ही दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने बनाया आज। तो आप सभी लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और देखिएगा कि सुबह सुबह मेरे पास कितना काम होता है और कितना काम करने के बाद ही मुझे आराम करने को मिलता है। और सुबह सभी के पास होता है, ऐसा नहीं कि किसी के पास काम नहीं होता है, सबके पास होता है। मैं सभी के लिए बोल रही हूँ, सिर्फ अपने लिए ही नहीं बोल रही हूँ, कि सुबह सुबह का काम हम लोगों के पास कितना ज़्यादा होता है। और ऐसा नहीं कि किसी के पास, मैं सबके ही लिए बोल रही हूँ। तो अभी ये देख लीजिए फ्रेंड, बिस्तर वगैरह सही कर लिया, उसके बाद अभी मैं लगाने लगी हूँ झाड़ू। ये तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अधिकतर कि झाड़ू लगा रही हूँ, लेकिन जैसे मैं रूटीन वगैरह जैसे एक के बाद एक स्टेप में दिखा रही हूँ कि इसके बाद मैं वो करती हूँ, उसके बाद मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो बिस्तर वगैरह सही कर दिया, उसके बाद जो है अभी मुझे पूरे घर में लगाना पड़ेगा झाड़ू, यानी लगा रही हूँ झाड़ू। और आप लोगों को पूरा घर के नहीं दिखा, पूरा घर का नहीं दिखा सकते, क्योंकि जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो कट करके दिखाना पड़ता है। तो अभी ये देख लीजिए, झाड़ू मेरा पूरे घर में लग गया है। और उसके बाद आंगन में, आप लोगों को पता ही होगा इस समय बारिश का मौसम है, तो बारिश से तो बहुत ज़्यादा ऊपर छत से मतलब काई वगैरह आती है, तो गंदा हो गया, तो मैंने कहा पानी डाल के साफ़ कर देते हैं। तो अभी इसको पानी डालने के बाद फिर मुझे पोछा भी लगाना है। तो ये देख लीजिए, अभी जो है आंगन को साफ़ कर लेंगे, और फिर जो है उसके बाद मुझे पूरे घर में पोछा लगाना है। पोछा लगाने के बाद ही मैं, यानी कि सुबह का क्लीनिंग का काम मेरा ख़त्म होता है। फिर जो है उसके बाद नहाना पड़ता है, और नहाने के बाद जो है पूजा वगैरह करके फिर खाने में लगना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इतना काम करने के बाद हम लोग फ्री हो जाते हैं। तो वही मैं रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। तो आप लोग आज का व्लॉग देख लेंगे और पता ही लग जाएगा कि मैं जो है सुबह कौन सा और कितना क्या काम करती हूँ। बस यही होता है हम लोगों का डेली का काम, डेली यही काम होता है, ऐसा नहीं कि कुछ चेंज होता है। हाँ, कभी कभी ज़्यादा और कभी कम थोड़ा बहुत काम हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि इतना ही हमेशा रहता है, इतना तो डेली हाँ करना ही पड़ता है। उसके बाद जो बढ़ घट भी जाता है, जैसा आपके ऊपर डिपेंड करता है, करना चाहें या ना करें। तो फ्रेंड्स, आप लोग बताइएगा आज का मैंने जिस तरह आप लोगों को दिखाया, आप लोग बताइएगा मॉर्निंग में फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, ब्लॉग की स्टार्टिंग हो गई है, जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, अभी जो है बच्चे स्कूल गए, आपको पता ही होगा दोपहर का समय हो गया है, तो आने ही वाले होंगे। और उससे पहले भी मैं आराम कर चुकी हूँ, यानी खाना खाने के बाद आराम करते हैं, यानी बैठते हैं, थोड़ा काम वाम हो जाता है, फिर दोपहर में बैठती हूँ, फ़ोन वगैरह देखती हूँ, फ़ोन देख लिया है। फिर उसके बाद अभी जो है मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने बहुत सारे रखे हैं, तो मैं अभी जाती हूँ कपड़े फ़ोल्ड कर लेती हूँ। फिर उसके बाद बच्चे आएंगे तो उनको खाना वगैरह देना होगा, फिर नहीं कर पाएंगे, तो जाते हैं फटाफट से कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं। और फ्रेंड से देख लीजिए, दीवार पर आप लोगों को सीलन दिख रही होगी, कितनी सारी सीलन है। उधर दूसरे का घर है तो उसी में पता नहीं कैसे सीलन आती है, इधर से तो फिलहाल कुछ भी नहीं, उस वजह से दीवार भी कितनी ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप देख सकते हैं इतनी कॉर्नर में। उधर जो है उनकी तरफ पानी निकलता है, मतलब जो दूसरे के घर पे जो है उधर पानी का सिस्टम कुछ है, उसी वजह से बहुत ज़्यादा सीलन आ रही है।
तो ब्लॉग में बने रहिएगा, चलते हैं कपड़े फोल्ड कर लेते हैं। और फ्रेंड्स अभी जो है दोपहर का समय है और मैं जब फ्री होती हूँ तभी जो है और जब मन करता है तभी मैं फ़ोल्ड करती हूँ। तो अभी 2 दिन के कपड़े पहले के रखे थे तो वही मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। और क्या होता है, ये तो रोज़ का काम ही होता है, लेकिन रोज़ मैं नहीं फोल्ड करती हूँ, जब मन करता है तभी दूसरे दिन या तीसरे दिन कर देती हूँ। और अभी इतने ज़्यादा कपड़े फ़ोल्ड करने के बाद अभी छत पे भी पड़े हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने कपड़े हो जाते हैं रोज़। हर एक लेडीज़ के पास होता है, ऐसा कुछ नहीं कि मेरे ही पास। तो कपड़े भी फ़ोल्ड करके छत पे भी लेके आना है, लेकिन वो वाले कपड़े अभी मुझे फ़ोल्ड नहीं करना है, वो जब मैं मेरा मन करेगा। कभी कभी तुरंत भी मन करता है तुरंत भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, कभी कभी नहीं मन करता है तो नहीं करती हूँ। लीजिए कितने सारे कपड़े फैले पड़े हुए हैं छत पे, ये देखिए। अभी मैं इनको उठा लेती हूँ क्योंकि इन्हें मुझे है उठाना। कल से जो है धूप नहीं थी, आज हुई तो मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो अभी मैं उठा लेती हूँ। और फ्रेंड्स कपड़े वगैरह उतारने के बाद, यानी अभी शाम का टाइम है, और अभी लाया था ये तुलसी के पौधे, तो मैंने कहा इनको भी लगा देते हैं। एक दिन एक लाया था तो मैंने एक लगा दिया था, तो दूसरा गमला खाली था तो मैंने कहा एक और ले आना जहाँ से लाया था, तो फिर दूसरे में भी लगा देंगे। क्योंकि क्या होता है कभी कभी जब एक जो है पेड़ सूख जाता है तो दूसरा तो रहता है, ऐसे बोलते हैं कि तुलसा माता सूख जाती है तो फिर अच्छा नहीं होता है। इसलिए मैंने कहा कि चलो ठीक है 2-3 ले आना, तो एक जैसे सूख जाएगा तो दूसरा तो रहेगा। फिलहाल ऐसा हो कभी सूखे ही ना तो सबसे अच्छी बात है। तो वही ये देख लीजिए बहुत सारे ले आया था पेड़, तो मैंने कहा अभी लगा देते हैं तुरंत। क्या होता है ज़्यादा देर रखे रहते तो फिर लगते भी नहीं हैं, ऐसे तो मैंने कहा तुरंत ही लगा देते हैं। तो अभी छत पे ही थी मैं, कपड़े उतारने आई थी, तो वही अभी को मैंने ये कैमरा पकड़ाया है तो वो ऐसे बना रहा है, मतलब सही से नहीं, क्योंकि कभी वो पकड़ता ही नहीं, पता नहीं कैसे उसने आज फ़ोन पकड़ लिया कि चलो ठीक है बना देते हैं, इसीलिए उसने ऐसे बनाया है। तो आप लोग बताइएगा अभी ने कैसे जो है वीडियो बनाया आज का, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वो मेरा वीडियो बना रहा है, कभी भी मेरा वीडियो नहीं बनाता। और ये देख लीजिए थोड़ा सा फूलों का भी ले लिया, यानी फूलों को भी कैप्चर कर लिया थोड़ा सा। और इधर एक सूखा पेड़ लगा हुआ था तो उसको भी मैं हटा दे रही हूँ। ये देख लीजिए कद्दू का पेड़, एक तरफ से फूल ही फूल लगे लेकिन बिल्कुल पेड़ मतलब कद्दू बिल्कुल नहीं होते हैं, बस ये देख लीजिए फूल ही फूल हैं दिख रहे हैं आपको। और ये कनेर कितना अच्छा, और ये शहतूत का पेड़ फ्रेंड्स देखिए कितना बड़ा हो गया शहतूत का पेड़। और ये इधर देखो बैट खेलने में लगा, और सुबह बारिश हुई तो इतना मेरे घर पे पानी भरा हुआ है, इतना सा पानी है, साफ़ नहीं करेंगे अब, सुबह ही करेंगे, क्या करना। और इसका पता नहीं क्या बन रहा है, मैं कुछ नहीं बता सकती इसका क्या बन रहा है, लड़की क्या बनाती रहती है। तो आप बताइए मैं ऐसे करके बनाऊँ इसे अच्छा लगेगा, या मैं इसे फ्लावर बना दूँ फिर इसका कोई और काम। और इसमें ना फ्लावर जब बनाऊंगी तो यहाँ मोती रख दूंगी, बस मोतियाँ रखी तो मोती भी। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।